हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर इन क्लास फोर्थ मैथ्स NCERT। नेम ऑफ द चैप्टर इज टिक टिक टिक। दिस इज़ द साउंड ऑफ द क्लॉक। टिक 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 जो होता है वो घड़ी का साउंड होता है। पंपोश एंड साजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे दो बच्चे हैं, पंपोश और साजिया। वे दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किसका घर जो है वह दूर है। आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। तो पंपोश बोलता है कि मुझे स्कूल जाने में 5 मिनट लगते हैं। आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। और यहाँ पे साजिया कहती है कि मुझे खाली 2 मिनट लगते हैं स्कूल जाने में। तो पंपोश कहता है इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल। तुम्हारा घर तो स्कूल से बहुत दूर है। बट आई चेक्ड माई वॉच, लेकिन मैंने अपना वॉच देखा था। तब साजिया रिप्लाई करती है आई स्टार्ट फॉर 7 o'clock। यहाँ पर ये वॉच क्लॉक बना हुआ है, यू कैन सी दिस इज क्लॉक। यहाँ पे 7 o'clock बज रहे हैं। व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड एट 2। तो यहाँ पे ये शाजिया कहती है कि जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो मिनट हैंड जो है वह 2 पे होता है। तो फर्स्ट वी सी कि दिस शॉर्ट हैंड इज़ कॉल्ड आवर हैंड। ये जो छोटा हाथ होता है घड़ी का उसको आवर हैंड कहते हैं, और ये जो घड़ी का बड़ा हाथ होता है उसको कहते हैं मिनट हैंड कहते हैं। सो साजिया ने बताया कि जब जो आवर हैंड है वो 7 पे था और मिनट हैंड 2 पे था, तब मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। तो शो शुड नॉट इट बी 2 मिनट्स पास 7। तो क्या ये 7:02 नहीं होते हैं? यू आर रॉन्ग, यू रीच एट 7:10। तो यहाँ पे पंपोश बोलता है कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुम 7:10 पे स्कूल जाती हो। तो साजिया कहती है कैसे? कैन यू सी दीज थीन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स? येस, सो वॉट। तो वह यहाँ पे पंपोश अपना वॉच दिखाता और कहता कि ये तुम घड़ी के अंदर ये छोटी छोटी लाइंस देखा हुआ है? तो साजिया कहती है हाँ, द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइंस आफ्टर 12, सो इट इज़ 10 मिनट्स पास 7। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये मिनट हैंड जो है, जब यहाँ पे 12 से लेके 1 तक जाती है तो 5 मिनट्स होते हैं। इनके बीच में छोटी छोटी लाइंस बने होते हैं। ये है 1, 2, 3 और ये 5 लाइन बनी रहती है, तो 5 मिनट्स होते हैं। तो अब ये 2 पे जाएगी तो यहाँ 1 के 5 और ये 5 के टोटल 10 हो जाएंगे। तो हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि मिनट हैंड जो है जिस नंबर पे होता है उस पर हम इंटू 5 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनट हैंड जो है वो 1 पर है, तो हम डायरेक्ट इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7:05। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 5 मिनट्स पास 7। अगर ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे 2 पे पहुँच गया तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। इट मीन्स 7:10, 10 मिनट्स पास्ट 7। तो यहाँ पे पंपोश वो बताता है कि तुम जो है वो 7:10 मतलब 10 मिनट्स पास 7 पे स्कूल पहुँचती हो। प्रैक्टिस टाइम, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक, हु इज़ राइट। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं जो कि टाइम पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइम पढ़ रहे हैं, और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस क्लॉक को, यहाँ पे जो आवर हैंड है वो 3 पर है और मिनट हैंड जो है वो 12 पे है। तो यहाँ पे जब भी आवर हैंड किसी भी नंबर पे हो और मिनट हैंड 12 पर हो तो वहाँ पे उतने हो क्लॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आवर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 12 पे है, तो यहाँ पे 3 o'clock होंगे। अगर आवर हैंड जो है वो 5 पे होगा और मिनट हैंड 12 पे होगा तो 5 o'clock हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो होगा पिंकी का जो है वह गेस राइट है, यहाँ 3 o'clock होगा। इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 3 o'clock। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आवर हैंड है वो 5 और 6 के बीच में है। एज वी नो दैट कि जब आवर हैंड जो है, जैसे मिनट हैंड एक राउंड पूरा करता है 12 से लेके दोबारा जब 12 पे ये मिनट हैंड पहुँचता है, तो आवर हैंड भी एक नंबर जो है वो आगे चल जाता है 3 to 4। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि आवर हैंड जो है वो 5 to 6 के बीच में है और मिनट हैंड 7 पे है। तो 7 पे है तो पहले हम देखेंगे कितने मिनट्स हुए। तो यहाँ पे 7 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 मिनट्स हुए। या इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 तक 5 हो जाएंगे, फिर 10, 15, 4 तक 20, फिर 25, 30 एंड 35 मिनट्स। या डायरेक्ट हम 7 में 5 का मल्टीप्लाई करके ही बता सकते हैं कि 35 मिनट्स हुए हैं। और कितने बज के हुए? क्योंकि ये 5 और 6 के बीच में है आवर हैंड, तो हम बताएंगे 5 बज के। तो 35 मिनट्स पास्ट 5, इसको पढ़ेंगे 35 मिनट्स पास्ट 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो आवर हैंड हमारा 7 पे है और मिनट हैंड 3 पर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 7 बजे हैं, कितने मिनट हुए हैं? तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 5 15, यानी कि इट मीन 7:15। यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो मिनट्स लिखते हैं और यहाँ पे आवर लिखते हैं, और इसको पढ़ते क्या है, 15 मिनट्स पास्ट 7। कितने बज के 15 मिनट हुए हैं? 7:15 हुए हैं। तो पहले हम 15 मिनट को कहेंगे 15 मिनट्स पास्ट 7, और इसके लिए 15 मिनट्स के लिए हम क्वार्टर वर्ड भी यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टर पास्ट 7।
नेक्स्ट, सो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और हमें क्लॉक में इसको दिखाना है, तो 3:10 है फर्स्ट टाइम, क्या है 3:10, तो 3:10 दिखाने के लिए पहले हम आवर हैंड को किस पे रखेंगे, 3 पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमने आवर हैंड को 3 पे रखा, छोटा होता है आवर हैंड तो हमने इसको 3 पे बनाया, और 10 मिनट्स हुए हैं तो 1 तक गए तो 5 मिनट्स, और 2 तक जाएंगे तो 10 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 3:10। अगर इसको हम दिखाएंगे इस तरह तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3:10, इस तरह से हम इसको दिखा देंगे। नेक्स्ट है 6:40, 6:40 के लिए हम आवर हैंड को 6 और 7 के बीच में रखेंगे थोड़ा, क्योंकि 40 मिनट्स बीत चुके हैं, और 40 40 कितने पे हो जाएगा, आप इसको 5 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इट मींस कि वो 8 पे होना चाहिए, 8 पे होना चाहिए इस तरीके से, या तो हम काउंट कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स 30 35 एंड 40, तो ये टोटल 6:40 हो जाएंगे। और इसको हम जो आवर हैंड है उसको 6 और 7 के बीच में इसलिए रखेंगे कि 7 ओ क्लॉक बजने में खाली 20 मिनट्स लेफ्ट हैं, इसलिए उसको थोड़ा हम मूव करा देंगे। क्यों मूव कराएंगे, एज वी नो दैट जैसे जैसे मिनट हैंड जो है वो 12 से लेकर दोबारा 12 तक जाती है, वैसे आवर हैंड भी 6 से अगर 6 पर है तो वो 7 पर पहुँच जाएगी, धीरे धीरे वो भी उसके साथ मूव करेगी। उसी तरह 4:45 को दिखाने के लिए, 4:45 दिखाने के लिए हम आवर हैंड को 4 और 5 के बीच में रखेंगे, और 45 को 45 किसने पे होगा, तो 45 को आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट मींस कि वह डिवाइड कर लीजिए तो वो 9 पे होगा, यहाँ पे 9 पे इसको मिनट हैंड 9 पे हो जाएगा, और आवर हैंड जो हो जाएगा वो 4 और 5 के बीच में हो जाएगा, और इसको हम लोग क्वार्टर टू 5 भी पढ़ेंगे, क्योंकि 60 मिनट्स होने पे पूरा 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ 45 मिनट्स हुए हैं, इट मींस 60 मिनट्स का होने में 15 मिनट्स लेफ्ट हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्वार्टर टू, कितने बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 5 बजने में बाकी हैं, तो इसको पढ़ेंगे क्वार्टर टू 5। नेक्स्ट 2:20, तो 2:20 हमें पता है कि ये जो 2 होता है वो आवर हैंड के लिए होता है, ये मिनट हैंड के लिए होता है, तो आवर हैंड को हम रखेंगे 2 के ऊपर, और 20 मिनट्स बीते हैं तो 5, 10, 15, 20, इट मींस 4 पे आएगा, और आप ऐसा भी निकाल सकते हो, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4, इसी तरह इसको, और इसको पढ़ेंगे कैसे, 20 मिनट्स पास 2, 3:15 को कैसे पढ़ेंगे, क्वार्टर पास 3 और 15 मिनट्स पास 3। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, इफ येस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू, क्या कभी आपने स्काई को देखा है, तो अगर हाँ तो ये आपके लिए इंटरेस्टेड है। एट वॉट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस, सनराइज मतलब कब सन आपके यहाँ उगता है, तो मेरा 6 AM मतलब 12 बजे, दिन के 12 बजे से पहले को हम क्या कहते हैं, AM कहते हैं, और दिन के 12 बजे के बाद के लिए हम PM वर्ड यूज़ करते हैं, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। तो AM 6 AM मेरे यहाँ सुबह कितने बजे सन निकलता है, 6 AM निकलता है, तो 6 AM इट मीन 6 o'clock, तो 6 o'clock के लिए क्या करेंगे, आवर हैंड को 6 पर रखेंगे और मिनट हैंड को 12 पर रखेंगे, तो इट इज़ 6 o'clock। नेक्स्ट, व्हेन डज द सनसेट, सनसेट कब होता है, 6:30 पे, तो 6:30 के लिए, 30 के लिए हम मिनट हैंड को कहाँ रखेंगे, 6 के पे रखेंगे, और 6:30 के लिए 6 और 7 के बीच में रखेंगे इसको, 6:30 अगर हमें शो करना है तो 6 और 7 के बीच में हम अपने आवर हैंड को रखेंगे और मिनट हैंड को रखेंगे 6 के ऊपर, तो इट इज़ 6:30 PM। नेक्स्ट, डज द सनराइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम एवरी डे, नहीं, सनराइज और सनसेट जो है वो एक दिन एक ही टाइम पे नहीं होता है। लुक एट ए न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स, न्यूज़पेपर में हर मंथ का सनराइज और सनसेट का टाइम लिखा रहता है, आप उसको देख सकते हैं। नाउ लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस, इस फोटो को देखिए और इस टाइम गेस करना है। पहली बात, ये फोटो है किस चीज़ की, ये फोटो जो है वो एफिल टावर की है। एफिल टावर कहाँ पे है, ये जो है वो पेरिस में है, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। जैसे यूपी का कैपिटल लखनऊ होता है, एमपी का कैपिटल भोपाल होता है, बिहार का पटना होता है, उसी तरह यूरोप की एक कंट्री जो है वह है फ्रांस, उसका कैपिटल जो है पेरिस है, पेरिस में एफिल टावर है। इन द पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर, दिस फोटो वॉज टेकन एट द नाइट। पेरिस में क्या होता है कि जब गर्मियों के दिनों में रात के 9 बजे के बाद ही जो है वह सनसेट होता है, तो यह जो फोटो है वह गर्मियों के दिनों की है, यह फोटो जो है वो रात की है ऑब्वियस है, तो यह फोटो गर्मियों के दिनों की होगी। बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हेयर बाय 4 PM इन द इवनिंग, लेकिन विंटर में क्या होता है कि 4 PM के बाद ही क्या होता है, 4 PM शाम के 4 PM के बाद ही अंधेरा हो जाता है। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट्स हैंड टू मूव फ्रॉम, इसमें आपको देखना है कि मिनट हैंड को मूव करने में कितना टाइम लगा। तो पहला क्या है, 3 और 4 के बीच में हमारा आवर हैंड है और यह किस पे, 7 पे, इट मींस पहले हुए कितने, 3:35 हो जाएंगे, ठीक है।
फिर ये क्या, 4 बजने में 10 मिनट्स बाकी हैं, तो ये 7 से मिनट हैंड कहाँ तक मूव किया, 10 तक मिनट किया, कितना मिनट मूव किया, 7 से 8 गया, 8 से 9 और 9 से 10, 15 मिनट्स यह मूव कर गया, ठीक है, 15 मिनट्स पास कर गया। नेक्स्ट बी क्वेश्चन जो है, पहले 3 और 4 के बीच में है और 8 पर है, इट मीन्स 3:40 हो रहे हैं, और नेक्स्ट क्लॉक, इस वाले क्लॉक में कितने हो रहे हैं, 4 o'clock, ठीक है, 3:40 यहाँ पे जो हो रहे हैं वो 3:40 हो रहे हैं, और यहाँ पे 4 o'clock, या इसको हम कह सकते हैं 3:60, 60 मिनट्स जो होता है, 60 मिनट्स जो होता है वो पूरा 1 आवर बना लेता है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 20 मिनट्स का, या आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो कि 8 से 9 पे गया, तो 8 से 9 पे गया तो 5 मिनट्स, 9 से 10 पे गया तो 5 मिनट, 10 मिनट्स हो गए, 10 से 11 15 मिनट्स, और 11 to 12 20 मिनट्स हो गए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6:05 हो रहा है, 5 मिनट्स पास 6 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 6:15 हो रहा है, जिसको हम लोग क्वार्टर पास 6 भी पढ़ेंगे, तो 6:05 से 6:15 तक में कितने मिनट्स आगे मूव किया, तो 10 मिनट्स मूव किया, तो 10 मिनट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरह यहाँ पे 7:10 से 8 o'clock होने में कितने मिनट्स लेफ्ट है, 15 मिनट्स लेफ्ट है, इट मीन 7:45 हो रहा है, तो 7:10 से 7:45 कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 35 मिनट्स का, इसको काउंट भी कर सकते हैं, 2 से 3 पे जाएगा 5 मिनट्स, फिर 3 to 4 10 मिनट्स, 4 to 5 15 मिनट्स, 5 to 6 20 मिनट्स, 6 to 7 25 मिनट्स, 7 to 8 30 मिनट्स, एंड 8 to 9 35 मिनट्स। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी, अब यहाँ पे आपको हैंड्स ड्रॉ करना है 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, 6 बजने के बाद 20 मिनट्स हुए, इट मीन 6:20 हुए हैं। पहले तो ये क्लियर कर लेते, बजे कितने हैं, 6:20, ये जो होता है वो मिनट को दिखाता है, ये जो होता है वो आवर को दिखाता है, और वी ऑल नो कि 60 मिनट्स होने के बाद 1 आवर हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 को 6 पहले तो हम आवर हैंड को दिखाएंगे, आवर हैंड कहाँ पे होगा, 6 पर होगा, और मिनट हैंड छोटा वाला जो हैंड होगा वो 6 पे होगा, और मिनट हैंड जो होगा वो 20 पे हमें दिखाना है, तो 1 तक जाने पे 5 मिनट्स, फिर 2 तक जाने पे 10 मिनट्स, 3 तक जाने पे 15 मिनट्स, और 4 तक जाने पे 20, तो ये 6:20 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock मीन 7:10 हो जाएगा, तो आवर हैंड को हम किस पे दिखाएंगे, आवर हैंड छोटे वाले हाथ को हम 7 पे दिखाएंगे, और मिनट हैंड जो बड़ा वाला हाथ होता है घड़ी का, उसको हमको 2 पे दिखाएंगे 10 मिनट्स के लिए, तो इट इज़ 7:10 हो जाएगा। देन 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, 8:30, 30 मिनट्स आफ्टर, इट मीन्स 8:30, इसको हम लोग हाफ पास्ट 8 भी कहेंगे, क्योंकि 60 का हाफ कितना होता है, 30 होता है, तो इसको हम हाफ पास्ट 8 भी कहेंगे। अब 30 मिनट्स हैं, ठीक है, तो 30 मिनट्स के लिए 1 पर जाएगा 5 मिनट्स, 2 पर 10 मिनट्स, 3 पर 15 मिनट्स, 4 पे 20 मिनट्स, 5 पे 25, एंड 6 पे 30, तो मिनट हैंड को हम लोग 6 पे रखेंगे, और आवर हैंड को 8 और 9 के जस्ट बीच में रखेंगे, क्योंकि हाफ तो ये घूम ही चुका मिनट हैंड, तो ये भी आवर हैंड भी 8 और 9 के क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो इट इज़ 8:30। नेक्स्ट 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock मीन्स 5:15 हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे क्या, 15 मिनट्स पास्ट 5 और क्वार्टर पास्ट 5 भी इसको पढ़ेंगे, तो 5, तो आवर हैंड कहाँ पे जाएगा, शॉर्ट हैंड जो हो जाएगा वो 5 पे जाएगा, और मिनट हैंड जो होगा वो 15 पे जाएगा। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, आपकी स्कूल असेंबली में कितना टाइम लगता है, तो मेरे तो स्कूल असेंबली जो होती है वो 20 मिनट्स लगते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक, आपका लंच ब्रेक कितने टाइम का होता है, तो मेरे स्कूल में लंच ब्रेक जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इट टेक्स 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम पीरियड, गेम्स पीरियड जो होता है वो मेरे 40 मिनट्स के होते हैं, इज इट सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स, तो नो, द गेम पीरियड और लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट आर नॉट देम, तो गेम पीरियड और लंच ब्रेक बहुत ही थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा नहीं लगता है। How many minute can these activities take? Make a guess and then check at home. आप पहले इसको guess करिए, फिर ये सारे activities हम सभी घर में करते हैं, तो पहले हम guess करते हैं कि हमको इन activities को करने में कितना time लगता है, फिर मैं यहाँ पे लिखते हैं। जैसे boiling of 1 liter milk, 1 liter milk हमें boil करना है, तो मैंने guess किया कि मुझे 4 minutes लगेंगे, but it will take 5 minutes. तो मैंने यहाँ 5 मिनट्स लिख लिया। फिर फिलिंग ए बकेट, फिलिंग ए बकेट मतलब बकेट को फिल करना है, बाल्टी को फिल करना है, तो मेरा तो टाइम 3 मिनट्स लगा था, तो मैंने यहाँ 3 मिनट्स लिख दिया। स्वीपिंग योर रूम, तो इट्स डिपेंड्स ऑन दी रूम कि आपका रूम कितना बड़ा है, अगर आपका छोटा रूम है तो मे बी हो सके 5 to 6 मिनट्स लगे, अगर थोड़ा रूम मीडियम साइज़ का तो 10 मिनट्स लग सकते हैं, और बड़ा रूम होगा तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो जो मेरा टाइम था वो मैंने लिख दिया, आप भी गेस करिए और यहाँ पर अपनी बुक पर मैंशन करिए। नाउ दिस इज़ एक्टिविटी टाइम, इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर, स्नैप मतलब उंगली को
चुटकी बजाना होता है। तो एक मिनट में आप, एक मिनट कितना होता है, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। टाइम को जो मेज़र करने का सबसे छोटा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। 60 सेकेंड जो होते हैं वह मिलके 1 मिनट बनाते हैं, 60 सेकेंड्स जो होते हैं वह 1 मिनट बनाते हैं। उसी तरह 60 मिनट्स जो होते हैं वह 1 आवर बनाते हैं। आवर्स जो होते हैं 24 आवर्स मिलके डे बनाते हैं, फिर 7 डेज मिलके वीक बनाते हैं, और वीक्स जो होते हैं वह मिलके मंथ बनाते हैं, और मंथ जो मिलके वह ईयर बनाते हैं। तो स्नैप योर फिंगर, तो मुझे फिंगर्स चुटकी बजाने में कितना टाइम लगता है, एक मिनट में 15 टाइम्स मैं चुटकी बजा सकती हूँ। स्किप पर रोप कोई 30 टाइम्स, एक मिनट में 30 टाइम्स होता है। जंप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे जंप करने में, तो एक मिनट में 40 टाइम्स जंप कर सकती हूँ। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स मतलब पलके झपकाने में, तो एक मिनट में आप कितनी बार झपका सकते हो आप अपने काउंट करके लिखो, मैंने यहाँ 50 टाइम्स लिखा है। हेयर इज़ अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, ठीक है। आप नॉन स्टॉप कितने टाइम तक आप बोल सकते हैं, आप एक टाइमर अपने मोबाइल में सेट कर सकते हो और आप बोलते जाओ, देखो आप नॉन स्टॉप बिना रुके कितने टाइम बोल सकते हो। तो मैं तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। स्टैंड ऑन वन लेग, एक लेग पे स्टैंड करने में तो 2 मिनट्स लिखा है। सिंग आ विदाउट ए ब्रेक, बिना ब्रेक किए मतलब बिना रुके हुए आ आपको मुँह से बोलना है, तो 3 मिनट्स लगते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन ए 50 मीटर रेस, 50 मीटर रेस करने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे, ऐसे कम भी लग सकते हैं। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम दी ग्राउंड, 50 पेबल्स मतलब आपने कंचे जो हैं वह ग्राउंड पे फैला दिए हैं और हमको उनको कलेक्ट करना है, तो हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। काउंट 1 to 100, 1 से 100 तक आपको काउंट करना है, तो जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर भी हो सकते हैं या मैक्सिमम 1 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट लेट्स लुक ए क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन, अब क्लॉक को देखिए और उसको सॉल्व करिए। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू अगेन 2, ठीक है। अगर मिनट हैंड जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे दिस इज़ क्लॉक, ये क्लॉक है, यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 6 होता है, सबसे अच्छे तरीके से इसी तरह से क्लॉक ड्रॉ किया जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपसे ये कह रहा है कि मिनट हैंड अगर 2 से स्टार्ट करता है, सपोज करो आवर हैंड यहाँ पर है और मिनट हैंड जो है वो 2 से स्टार्ट होके वापस 2 तक आता है तो कितने मिनट्स लगते हैं। तो एक बार जब ये रोटेट होकर 2 तक आएगा तो वो टोटल पूरा 60 मिनट जो है वो कंप्लीट करेगा। वन रोटेशन मतलब 60 मिनट्स जो है वो कंप्लीट करेगा, उसको आप काउंट भी कर सकते हो, 2, 2, 3, 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and this is 60। तो 2 से 2 तक आने में 60 मिनट्स लगेगा या 1 आवर। 60 मिनट्स जो होता है, अभी मैंने बताया कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। What happens to the hour hand? Does it also move? How long will it take to move from the one number to the next? So yes, the hour hand also move. It takes 1 hour to move from one number to another number. यहाँ पर यह कह रहा है कि क्या मिनट हैंड के साथ आवर हैंड भी मूव करता है, तो हाँ मिनट हैंड के साथ आवर हैंड भी जो है वो मूव करता है। जैसे ही मिनट हैंड अपना एक कंप्लीट रोटेशन करती है, आवर वाला हैंड भी एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव कर जाता है। यह आपने देखा ही होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 6, 3, 9, 1, 2, दिस इज़ क्लॉक, ये हमने एक क्लॉक ड्रॉ किया है। अब सपोज यहाँ पे आवर हैंड अगर 3 o'clock होता है जस्ट ये, ठीक है, जैसे ये मिनट हैंड जो होता है वो 12 से वापस 12 तक जाता है, तो हम देखते हैं कि ये जो आवर हैंड है वो 3 से 4 पे चला जाता है, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मिनट हैंड के संग आवर हैंड भी मूव करता है, हाँ मूव करता है। जैसे ही मिनट हैंड अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, आवर हैंड भी 3 to 1 नंबर से दूसरे नंबर पर मूव कर जाता है। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कम्प्लीट, अपने अराउंड ये एक्टिविटी देखो जिसको तुमको लगभग 1 घंटे लगते हैं करने में, 1 आवर या 60 मिनट। तो हमें खाना बनाने में 1 आवर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही समय लग जाता है, पढ़ाई करते स्टडीइंग में, वॉचिंग न्यूज़ देखने में, प्लेइंग द फुटबॉल खेलने में 1 आवर से ज़्यादा का टाइम लगता है, गेटिंग रेडी फॉर फंक्शन, किसी फंक्शन में जाना तो उसमें भी हमें 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है या ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया, आप इसके अलावा भी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, कितना समय लगता है डिनर बनाने में, तो मोर देन 1 आवर और लेस देन 1 आवर, तो मोर मतलब ज़्यादा, 1 आवर से ज़्यादा ही लगता है। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, अपने फादर से पूछो कि क्या वो भी उतनी ही तेज़ी से खाना बनाते जैसे मदर बनाती हैं, तो मेरे फादर तो नहीं बना पाते, तो मैंने नो टिक किया है। विच गेम टेक लेस देन 1 आवर टू फिनिश, कौन सा ऐसा गेम है जिसमें 1 घंटे से कम का समय लगता है ख़त्म होने में, तो लूडो हो सकता है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं, तो मैंने यहाँ लूडो मेंशन किया, लूडो टेक्स लेस देन 1 आवर टू फिनिश।
हाउ लॉन्ग डज द फुटबॉल मैच टेक, एक फुटबॉल मैच को खेलने में कितना समय लगता है, तो जो ड्यूरेशन होता है स्टैंडर्ड फुटबॉल मैच का वो 90 मिनट्स का होता है और 50 मिनट्स उसमें ब्रेक भी होते हैं, अलग से 50 मिनट्स के ब्रेक होते हैं और 90 मिनट का गेम होता है। अब यहाँ रानी डायरी, लेट्स कम गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, यहाँ पर रानी है, रानी है वो कहती है कि चलो मेरे नए बेबी सिस्टर को देखने के लिए। माँ आई हैव बॉट स्वीट्स फॉर मुनिया, मैं स्वीट्स लाई हूँ, मतलब टॉफियाँ लाई हूँ मुनिया के लिए। बट शी कैन नॉट ईट, शी इज़ टू स्मॉल, तो माँ कहती है कि वो तो बहुत छोटी, वो खा नहीं सकती है, एंड शी डज़ नॉट इवन टॉक, और वो तो बात भी नहीं कर सकती। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप, जैसे जैसे वो बड़ी होगी वैसे उसे धीरे धीरे सारे काम वो करना शुरू करेगी। तो यहाँ पे नेम ऑफ द मंथ दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स दिए हैं। आई विल नोट डाउन इन माई डायरी वेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग। तो अब यहाँ पे ये क्या डिसाइड करती है रानी, जो है कि मैं एक डायरी बनाऊंगी और जो मुनिया करेगी मैं उसकी सारी चीज़ें उसमें नोट डाउन करेंगी। तो ये उसकी डायरी है जिसमें उसने मैंशन किया है। तो अब यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है टाइम लाइन, उस पर हम धीरे ऑर्डर में उसको करेक्ट ऑर्डर में रखेंगे। तो जैसे 5/3/2005, तो यहाँ पे ये जो 5/3 और ये 05 दिखा रहा है, ये जो है वो डे दिखाता है, ये मंथ को दिखाता है, और ये जो था वो ईयर को दिखाता है। दिस इज़ ईयर 2005 एंड मंथ ऑफ मार्च, पहला मंथ कौन सा होता है, जनवरी। तो जनवरी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर देते हैं, फरवरी को सेकेंड, मार्च को थर्ड, अप्रैल को फोर्थ, मई को 5, जून को 6, जुलाई को 7, अगस्त को 8, सितंबर को 9, अक्टूबर को 10, नवंबर 11 और दिसंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5/3/3, यहाँ पे ये जो 3 मंथ है वो बता रहा है कि मार्च, मंथ ऑफ मार्च है। ठीक है, फिर मैंने इसको देख के इसको सीक्वेंस में लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 5/9/2005 को वो क्या करती है, उसके बाद जो है वो 8 बनाना, वो बनाना खाती है, तो मैंने यहाँ पे इसको ये मेंशन कर दिया है। उसके बाद 15/9/2005 में गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो ये सब पूरे टाइमलाइन पे ये मेंशन किया गया है। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड शी देन, हाउ मैनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर। ठीक है, तो वह जो है वह सितंबर, जब वो पैदा हुई थी तो वो कब थी, मार्च में थी, और उसने पहला अपना टूथ कब पाया, जब उसके पहले दांत आए थे वो जब सितंबर के मंथ में। तो आपसे पूछ रहा है कि वह कितने मंथ की हो गई होगी, तो मंथ के लिए पहला वो मंथ यहाँ पे कौन सा था, 3 था, मार्च था, और यहाँ पे कौन सा है, 9 मंथ है, सितंबर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी पता चल जाएगा कि 6th मंथ हो चुके थे अप्रॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, डे कौन सा था, 15 था, और ये 5 था, तो आप बता बोल सकते हो कि 6th मंथ वो 10 डेज की हो जाएगी जब उसको फर्स्ट टूथ आया था। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया, मुनिया कितनी बड़ी हो गई थी वेन शी फर्स्ट सेटअप। ठीक है, सेटअप मतलब जब वो बैठना शुरू की गई थी, तो उस समय क्या चल रहा था, 11th मंथ ऑफ मंथ जो था वो 11th था, इट मीन्स नवंबर था, और वह बॉर्न कब हुई थी, 3rd मार्च में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया कि अबाउट 8 मंथ्स हो जाएगा, 11 में से आप 3 सबट्रैक करोगे, 11th में से 3 सबट्रैक करोगे तो 8 मंथ हो जाएगा, या ऐसे आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ से कि मार्च से अब नवंबर तक कितने मंथ्स हो जाएंगे। तो काउंट कर लेते हैं, 8 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 मंथ जो है वो लिख दिया है। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, फर्स्ट टूथ उसको कब मिला था, वह बॉर्न कब हुई थी, मार्च में। ठीक है, उसको टूथ कब मिला था, सितंबर में, तो मार्च से आप काउंट कर लो सितंबर के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 मंथ्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया जो है 6 मंथ्स। व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, वह उसने पहले क्या करना शुरू किया, वॉकिंग या ईटिंग या बनाना। तो आप यहाँ पे टाइम लाइन में भी देख के सक सकते हो कि उसने पहले ईटिंग करना शुरू किया, वॉकिंग किया, वॉकिंग जो उसने सबसे लास्ट में किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट बनाना, उसने बनाना ईटिंग करना पहले शुरू किया। नेक्स्ट, क्राउलिंग और स्टैंडिंग, क्राउलिंग मतलब घसीटते हुए, अपने हाथों और पैरों को घसीटते हुए चलना, जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो चलना सीखते हैं तो पहले क्राउल करते हैं और उसके बाद वो स्टैंड करते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, क्राउलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो है हाफ है, इसका जो हाफ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर ये आपको यूज़फुल लगता है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू।